तो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक क्लास है और उस क्लास के अंदर क्लास है और मुझे इसके अंदर जो है काउंट करने, यहाँ पे काउंट करने हैं कि क्या होगा। अब इसमें काउंट इफ वगैरह नहीं लगेगा क्योंकि मुझे एक सेल के अंदर काउंट करना है। बात समझ रहे हैं ना, एक सेल है और उस सेल के अंदर मुझे काउंट करना। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा लॉजिक अपनाएंगे कि आप यहाँ पे बी ई एफ ई एफ 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 देख रहे हैं ना, तो जी सेल के अंदर कैसे काउंट होगा, क्योंकि तो कोई फॉर्मूला नहीं है सेल के अंदर काउंट करेंगे। तो एक सिंपल सा बेसिक मेथड जब हम कैलकुलेशन सीखते थे ना बचपन में, उस समय था कि विथ बी आपका एक 11 है और मैंने सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला से मैंने क्या किया, बी को या ऊपर जो बी है उसको सेलेक्ट कर लेता हूं, इसको ब्लैंक कर दिया। क्या कर दिया, ब्लैंक। और फिर मैंने यहाँ पे लेन को लगाया तो यहाँ पे 10 आया। अब ये स्मॉल बी नहीं हुआ क्योंकि सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला केस सेंसिटिव होता है। तो क्या करेंगे जी इसके लिए, यहाँ पे क्या लगाएंगे जो केस सेंसिटिव बढ़ जाएगा। बोले सुरेश जी, सुरेश जी नहीं पता सर, रिप्लेस सर, लोअर वाला लगाएगा अपर। देखिए क्या है कि ए अपर लोअर। लेटर है ना, ए टू को भी जी अपर कर दीजिए, सिंपल सा अपर का अच्छा फॉर्मूला लगा दीजिए। अब दोनों अच्छा के बराबर हो जाएगा, अब इसके अंदर जाए जो भी रहेगा फॉर्मूला उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करके बड़ा कर लेगा। कर लिया बड़ा। अब देखिए, अब बी के साथ 11 है, विदाउट बी 9 है, तो कितने बी है, 11 माइनस 9। अब इन सबको इकट्ठा एक्सेल में मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने तो आता है ना। हेलो, तो यहां हम सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला को कॉपी किए यहाँ पे, यहाँ देखिए सिंपल सा बात समझते हैं। ये हमारा फॉर्मूला लेंगे कौन सा है, B3, और यहाँ पे B3 के अंदर हम पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लेंगे ए सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला और यहाँ पे जहाँ पे C3 है उसके जगह पे पेस्ट कर देंगे। अब इन दोनों को डिलीट किया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर इस लेन वाले फॉर्मूले को लेंगे और यहाँ पे, अब आप फॉर्मूले में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इस तरह के फॉर्मूले डायरेक्ट लगा सकेंगे, अदरवाइज कंट्रोल करके कट करके यहाँ डाल। अब आगे ड्रैग करना है, तो ड्रैग करने से पहले हमें क्या करना होगा, फ्रीज करना होगा, और डॉलर फ्रीज दिक्कत हो जाएगी ना। पीस करना पड़ेगा। हर एक के लेटर काउंट बता दिया ना, कौन सा लेटर कितने बार में, जी सर, समझ में आया। जी, यस सर, सुरेश जी आपको हाँ सर, आ गए सर। अब बताइए कि इसमें क्या चीज मैंने नहीं पढ़ाया था, क्या अपर फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था, क्या लेन नहीं पढ़ाया था, क्या सब्स्टिट्यूट नहीं पढ़ाया था, सर ये तो क्या मेरी आपको ही पता। फाइल है। मैं बताना चाहूंगी कि मुझे ऐसे काउंट जो क्वेश्चन जो था ना कि काउंट टोटल नंबर ऑफ ये बी एफ, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं काउंट से और काउंट इफ से ही लगेगा, लेन और देखिए सब्स्टिट्यूट काउंट, आप वाला। उसी तो फॉर्मूला की प्रॉपर्टी को समझिए, काउंट इफ एक रेंज में काउंट करता है, राइट। जी आपके पास एक सेल है ना, जी 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 इसलिए। क्वेश्चन नंबर टू, आपको रैप का फॉर्मूला बताया था, याद है, नहीं लास्ट नेम था जी ना सर, इसका, राइट वाला इधर। हाँ लास्ट में इधर राइट वाला एक ही फर्स्ट है नेम तो आपने लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट नेम, जी। लास्ट नेम लास्ट नेम में भी इधर लगाया आपने यहाँ पे, 1 मिनट, जी। लास्ट नेम में 6 आपने मैनुअली 6 क्यों डाल दिया। लास्ट नेम में इस वाले में कर रहे थे ना, तो क्या कहते हैं वो सिंह और राजपूत दोनों ले रहा था हाँ ले रहा था, इसके लिए जी। आपको क्या करना होगा, मैंने बताया था, 1 मिनट यहाँ देखिए, मैं समझिए यहाँ पे, अब जी लगा लीजिएगा, मैं नहीं बना रहा, उसे सुजीत कुमार सिंह है, राइट। जी अगर मान लीजिए दो चीजें हैं इसमें, कि मुझे इसमें से लास्ट नेम, फर्स्ट नेम या मिड नेम तीनों अलग करना, तीनों अलग मानो करना है जी आपको, कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिड मेरे नेम एंड लास्ट नेम। जी तो हमने बताया था आपको फाइंड,
फाइन, हमने स्पेस दिया और हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो हमने यहाँ पे नॉर्मल क्या कर दिया, वन कर दिया। तो स्टार्ट नम आप इसको समझते, जो फॉर्मूला प्रैक्टिस कर रहे थे उस समय समझते कि स्टार्ट नम है क्या, समझ रहे आपको जी। फॉर्मूला लगाने के बाद एफ एक्स पे क्लिक करते तो आपको यहाँ बता जाता कि स्टार्ट नंबर क्या है, स्पेसिफिक करेक्टर एट वी यूज विच टू स्टार्ट द सर्च, समझ गए जी। आप जो है इसके अंदर कहां से स्टार्ट करना चाहते, तो मैं बाय डिफॉल्ट वन दे रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग से करना है, तो मैं यहां पे एक और फाइंड का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहां इसको सिलेक्ट करूंगा और स्टार्ट नंबर सेवन प्लस वन, सेवन प्लस वन कर दिया, थर्टीन आ गया। थर्टीन किसका स्पेस आया, सेकेंड का आया ना जी जी, समझे। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला किसका, लेफ्ट का, और बोलूंगा कि फर्स्ट स्पेस माइनस वन जी, मिड के लिए लगाऊंगा कि मिड का फॉर्मूला और बताऊंगा कि सेकेंड स्पेस स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर फर्स्ट स्पेस प्लस वन और नंबर ऑफ वेक्टर सेकेंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस, कुमार आ गया। और सिंक के लिए क्या करूंगा, सिंक के लगाऊंगा राइट फॉर्म, राइट फॉर्मूला और इसको लिया और यहां पे लेंथ इसकी कंप्लीट लेंथ माइनस लास्ट लास्ट स्पेस आ गया जी, समझे जी सर। प्रॉब्लम कब होगी, जब आप लिखेंगे सुजीत कुमार, इस केस में आपको दो फॉर्मूले में एरर आएगा। इस वाले फॉर्मूले में एरर आया तो आप सिंपल सा लगा लीजिए इफ एरर और कर दीजिए ब्लैंक, क्योंकि इसमें मिडिल नेम नहीं है, लेकिन लास्ट नेम में तो आइए ना हमें। अब लास्ट नेम में आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला लगा, सॉरी माफ कीजिएगा, इफ एरर का, इफ एरर कि अगर सेकेंड स्पेस वाला एरर आता है तो यहाँ पे फर्स्ट स्पेस के बिहाफ पे निकाल दे, इसके बिहाफ पे निकाल दे फर्स्ट स्पेस के, कि इसमें और इसकी कंप्लीट लेंथ माइनस सेवन, समझ गए जी सर, समझ आया कि नहीं। इसमें दो फॉर्मूला डाल दिया मैंने, एक फॉर्मूला डाल दिया जो कि सेकेंड स्पेस के बिहाफ पे अलग करेगा और दूसरा फॉर्मूला हमने डाल दिया कि फर्स्ट स्पेस के बिहाफ पे करेगा। अगर सेकेंड स्पेस नहीं हुआ मतलब थर्ड नेम नहीं हुआ तो पहला फॉर्मूला आपका देगा एरर और इस एरर यहीं पे काम करेगा कि पहला अगर फॉर्मूला एरर दिया तो दूसरे फॉर्मूले को वर्क करेगा, दूसरा फॉर्मूला करेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मिडिल नेम का ऑप्शन ना हो, सिर्फ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, समझे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, एक तरीका और भी यूज कर सकते हैं, शायद मैं आपको बताया हुआ है तरीका, लेकिन नहीं फिर भी बता देता हूं, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लगाना, सुजीत कुमार सिंह भी है यहां पे मान लीजिए। अब यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, सब्स्टिट्यूट सिलेक्ट किया, ओल्ड टेक्स्ट बोला कि स्पेस है, न्यू टेक्स्ट मैंने रैप्ट का फॉर्मूला लगाया, रैप्ट के फॉर्मूले में मैंने बोला कि स्पेस को 99 बार रिपीट करो, आया सुजीत कुमार सिंह, बीच में 100-100 स्पेस का गैप आ गया, आ गया ना। और फिर राइट से मैंने बोला कि 99 ले लो, तो 99 लेगा तो क्या करेगा कि पांच करेक्टर है उसके अलावा वो करीब 94 स्पेस ले लेगा, लेकिन इससे क्या हुआ कि आपका मिडिल नेम नहीं लेगा, वो स्पेस ही लेगा, जहां नाम मान लीजिए बड़ा हुआ 20 लीटर का हुआ तो 99-20 और उतना स्पेस ले लेगा, मतलब कि कुछ स्पेस और आपका लास्ट नेम मिलेगा। और आपको याद है ना मैंने आपको बताया था ट्रिम का फॉर्मूला, क्या करता है ट्रिम का फॉर्मूला, अनवांटेड स्पेस हटाता है, बता देगा जी, गैप निकलता है सर, जो गैप नहीं है सर वो हटा देता है, क्योंकि सुजीत के पहले तो अनवांटेड स्पेस, सिंह से पहले तो बहुत सारे स्पेस है ना, सिंह से पहले स्पेस नहीं होना चाहिए ना एज पर रूल,
क्योंकि स्पेस दो करेक्टर के बीच में सूट करता है ना, करेक्टर के पहले और लास्ट में नहीं सूट करता है ना, इसे रिमूव कर दिया और सिंग आ गया। अब जैसे फॉर्मूला मर्जिंग मेथड मैंने आपको यहां समझाया है, उसी मेथड को यूज करते हुए सबको एक सेल पे लगाया जा सकता है, क्या समझे? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे थ्री में, क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको क्या करना था, कंबाइन करना, तो सही किया था। अच्छा किसने ये फाइल किसका है, चिंटू जी शायद आपका, मैं आपका है, आपने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, आपने गलत कर दिया, गलत किया ना। अब क्या करना चाहिए था आपको, यहाँ टेक्स्ट का फॉर्म लगाना चाहिए था। मैंने चीज बताया भी था ना आपको कि जब दो डेट को आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो नंबर्स आएगा, इसके टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करना चाहिए, मैंने क्लास में इसको डिस्कस किया था। सर लेकिन यहाँ पे ना एक चीज गलती हो गई है मेरे से, ये वर्ब्ड फ्रॉम के बीच में ना स्पेस नहीं आ रहा है, मतलब मनीष कुमार और फ्रॉम के बीच में स्पेस नहीं आ रहा था, मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन स्पेस नहीं आया। यहाँ पे अब वो लगाया ही नहीं है, लगाएंगे तो नहीं, ये मेरा नहीं है सर, पिछला वाला मेरा था, जो ब्लू वाला है ना वो मेरा था जी, ये मेरा है। क्या लिख रहा है इसमें, ये मनीष कुमार के बाद स्पेस नहीं आ रहा। तो पहले स्पेस दे दीजिए ना, हो गया स्पेस आ गया। बहुत कोशिश की सर, इधर उधर सब जगह स्पेस दे दिया, मैंने तो कोई कोशिश नहीं की, मैंने तो बस एफ से पहले स्पेस कर दिया जी, क्या ठीक है, स्पेस से पहले स्पेस डाल दीजिए इन्वर्टर कुमार के अंदर, आ गया। आप इन्वर्टर कुमार के बाहर डाल रहे होंगे शायद, जी एंड के पहले इसके बाद उसके बाद इन्वर्टर कुमार के अंदर वाले बदलना था ना बाहर, यहाँ पे मैं अगर 10 स्पेस डाल दूं क्या फर्क पड़ने वाला है, प्रिंट तो करेगा नहीं ना, प्रिंट तो फॉर्मूला ही करेगा ना, फॉर्मूला करेगा। रैप्ट का एग्जांपल नहीं दिया आपने, नहीं सर ये बताया था आपको रैप्ट फॉर्मूला, रैप्ट का फॉर्मूला तो है सर लेकिन ये ऑफिस यूज में या फिर एग्जांपल है ना कि एग्जांपल, मैंने कोई एग्जांपल बताया था आपको कि नहीं जी, एग्जांपल्स तो आपने दिया था कि रैप्ट का फॉर्मूला का यूज कैसे होता है, किसी भी चीज को हमें जितनी बार रिपीट करना होगा हम उतनी बार कर सकते हैं। चलिए एक और रिपीट हम आपको देते हैं, जैसे मैंने एक और तरीका, एक तरीका मैं दे दिया, एक तरीका आपको ढूंढना है, नहीं ढूंढिएगा तो फिर मैं भी वो तरीका भी बताऊंगा, एक तरीका और, दो तीन तरीके मुझे पता है इसका जी सर। अच्छा आप लोग इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ पे डेटा बार में जाके आइकन लगाते, ये लगाते हैं ना डेटा बार, पर प्रॉब्लम क्या होता है कि डेटा बार यहाँ शो तो हो रहा है ना, बच्चा तो यहाँ पे होता है, नहीं होगा, नहीं आएगा। अगर मान लो किसी कारण से मैं ला भी दिया हो टिक्रम करके, तो अगर मैंने कहीं पे लिंक किया जैसे वी लुकअप जैसे लिंक किया तो सिर्फ डेटा लुकअप होगा ना, उसका लुकअप तो नहीं होगा, फॉर्मेट तो लुकअप नहीं ना होगा। मैं अगर फॉर्मेट पेंटर लिया और मान लीजिए फॉर्मेट पेंटर से पेंट भी कर दिया तो चलो आपको यहाँ दिख रहा है ना, 96 की जगह पे मैं 16 करता हूँ, कोई फर्क हुआ, नहीं फर्क हुआ, नहीं। तो एक बार लगाया करके वो। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए यहाँ आपका रैप फॉर्मूला यूज होता है, रैप इन्वर्टर कॉमा के अंदर में इसको देते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, अब काफी ज्यादा आ गया नहीं, तो इसको सेलेक्ट करके डिवाइड बाई 5 कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे, फिर भी कुछ खास नहीं हो रहा है ना, तो हुआ खास, खास होगा इसके ऊपर एक फॉन्ट अप्लाई करेंगे बिटैनिक बोल्ड का, कलर चेंज करना है मुझे ग्रीन करना है, ग्रीन हो गया, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको इक्वल करता हूं तो ये आ गया, अब इसके ऊपर इसका फॉर्मेट अप्लाई कर दीजिए ना, चलिए फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 52 था ना, 52 ले लिया, तो 52 उसका रेट आ रहा है ना पोजिशन, डेट में 52 के जगह पे 80 हो जा रहा है, पोजीशन चेंज, यहाँ भी चेंज हुआ, 95 आ रहा है, चेंज हो रहा है 10 हुआ, हो रहा है ना, कंडीशन फॉर्मेटिंग में तो होगा नहीं,
इसमें आप नंबर वैल्यू या वैल्यू फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में है कि यहाँ पे एज निकालना है, तो आपने क्या किया हुआ, एज निकालना था मैम। इधर आई वाले को आगे देखिए ना, मैंने दोनों तरीके से निकाला है, ये इधर एन एन वाला जो हाँ डेटेड इफ लगाया ना आपने। डेटेड इफ फॉर्मूला क्या करता है, दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालता है। आपने अगर यहाँ पे y कर दिया तो ईयर आएगा, और यहाँ पे अब ये गलत हो गया, मंथ नहीं होना चाहिए, मंथ में भी आपको डेटेड इफ लगाना होगा। डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, ये लिस्ट में नहीं आएगा फॉर्मूला क्योंकि एडिंस है, इसे मेनू लगाना होगा। और यहाँ पे आप अगर m कर देते हैं इन्वर्टर कॉमा में तो एज इन मंथ आएगा, लेकिन मुझे 34 साल के बाद का चाहिए ना, तो वाई एम कर दीजिए, वाई एम करते ही आ गया मंथ आ गया जी, ईयर का बाद 34 साल के बाद कितने महीने वो आ जाएगा। y और m के बाद यहाँ पे अगर मैंने md कर दिया तो मंथ के बाद 8 महीने के बाद कितना डेट हो रहा है वो आ जाएगा, और फिर इसको कंबाइन कर दीजिए कौन कितना डेट लगा के, समझे जी सर। मतलब अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ अगर 7-10 जुलाई 1987 है तो आज उसका डेट, आज के मैंने आज का जो डेट है उस डेट टू उसकी जो, या कल की डेट तक उसकी एज जो होगी 34 साल 8 महीने और 8 दिन। ठीक है सर, लेकिन एक क्वेश्चन था, हा? ये ई कॉलम में जैसे 10 मंथ्स आ रहा है, एफ पे 7 डेज आ रहा है, तो यहाँ पे अंतर कैसे हो गया। जैसे आपने क्या किया हुआ, इसमें जो है मंथ, आपने मंथ निकाल लिया, 10वां महीना आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पे ये निकाल लिया, डे निकाल लिया 7 तारीख, तो अलग, वो तो सेपरेट कर रहा है ना। ओके, ये अलग चीज हो गया। आपने कितना, आपने क्या किया कि डेट लिखा हुआ है, मान लीजिए आज की डेट है 16/6/2022 है ना जी। आपने क्या किया, आपने डिफरेंस नहीं निकाला, आपने 16 अलग यहाँ पे 16 अलग लिख दिया, आपने यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे आपने 22 लिख दिया जी। और आपके सिस्टम में 10 जुलाई था बट मेरे में सितंबर आ रहा है, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, DDMMYY, इसलिए जी सर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ आपको इसमें सर क्वेश्चन नंबर 6 है जो, इसमें जो नीचे फॉर्मेट बना हुआ जुलाई वाला, इसमें कैसे होगा सॉल्व के, कौन सा ये नीचे जो टेक्स्ट के साथ लिखा है 11 जून, ये वाली नहीं 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 ये इंदर वाला, जैसे डेट वही है, देखिए डेट टाइप हो जाता है, डेट अपना फॉर्मेट आपके सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। अब मेरे पे आपको दिख रहा है 11 जून, दिख रहा है ना आप, दिखेगा आपको 6 नवंबर, समझ गए, ये जो डेट सिस्टम डेट फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। अब यहाँ पे आपने गलत किया, मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे अगर फैब डालता हूं तो फैब की स्टार्ट डेट एंड मंथ आना चाहिए, नहीं आया ना यहाँ, लेकिन यार करंट डेट में अगर डालिएगा तो आ जाएगा, करंट डेट है ना, फाइव डाल रहे ना हम तो मंथ डालना चाहते हैं ना। अच्छा, अब इसका जरूरत क्या है ना, जैसे मान लीजिए आपने डॉप मंथली डॉप डाउन लगा दिया कि आपने जैन सेलेक्ट किया, पूरा रिपोर्ट जैन के अकॉर्डिंग हो जाए, बट आपके डेटा में जैन फाइव मार्च नहीं है, आपके डेटा में डेट है, तो वहां पे स्टार्टिंग एंडिंग फॉर्म आप लगा के और यहां से निकालेंगे। यहाँ कुछ नहीं करना था आपको, स्टार्ट डेट में हर मंथ का स्टार्ट डेट तो वन ही होता है ना जी, वन के साथ आप जहन को फाइव मंथ जो है उसको कंबाइन कर दीजिए, समझ गए, ये बन गया आपका स्टार्ट डेट, और एंड डेट के लिए यो मंथ लगा लीजिए। अरे तो बहुत ये था, हम इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, समझ गए जी जी। बात यहाँ पे आती है कि मैं यहाँ पे कोई भी डेट डालूं, अगर कोई डेट डालता हूं तो मुझे इस डेट के अकॉर्डिंग इस महीने की स्टार्ट डेट और एंड डेट पता चला दे, तब कैसे पता करेंगे आप, दो तरीके हैं, आप डेट फॉर्मूला लगाइएगा और इसमें से ईयर मंथ लीजिएगा और डे को वन कर दीजिएगा, समझ में आया आपको, आपने इसमें से ईयर अलग किया, इसमें से आपने मंथ लिया
और आपने क्या कर दिया, डे को कर दिया वन, तो कोई भी डेट डालेगा तो उस महीने के फर्स्ट डेट यहाँ पे शो करेगा। लास्ट डेट के तो आप यो मंथ लगा ही दीजिएगा ना, यो मंथ लगा सकते जी। तो पहला तरीका तो आपका ये है जी। देखिए एक और तरीका है, हम यहाँ पे इतना लंबा डेट का फॉर्मूला ना लगा सकते, हम यहाँ पे सिंपल यो मंथ भी लगा सकते हैं। तो इसे बोलेंगे सर यो मंथ लास्ट डेट देगा ना, तो क्या करें इसमें जो यो मंथ हमारा फर्स्ट डेट दे दे, चिंटू जी सुरेश जी वन लगा दीजिए सर, वन लगा देंगे तो अगला महीना, अगला महीने के लास्ट डेट देगा ना, अगर वन लगा दिया बराबर है यस यस, यहाँ पे वन देना है बट माइनस माइनस ताकि वो पिछले महीने की लास्ट डेट दे दे। अब इसे लास्ट डेट दे रहा है तो पिछले महीने की लास्ट डेट में हम प्लस वन करेंगे तो इस महीने की फर्स्ट डेट होगा ना। समझ आया आपको नहीं? यस यस गॉट इट सर। तो इस तरह के तरीके होते हैं सोचने के कि कैसे किया जा सके, समझ रहे हैं ना? तो अलग अलग एंगल सर, एक क्वेश्चन शायद आप लोग नहीं किए होंगे ना, चलिए बताते हैं। ये क्वेश्चन में ये कोई बारीक बड़ी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल है। मैं मेरे पास क्रेडिट कार्ड, आपके पास भी हो सकता है। क्रेडिट कार्ड का बिलिंग सर्कल मेरा ये है कि पांच हर महीने की 5 तारीख से अगले महीने की 6 तारीख तक की जो बिलिंग होती है उसमें 26 तारीख को देना होता है। जैसे आज मैं जो भी खरीदूंगा उसका बिल 6 तारीख को बनेगा जुलाई में, और मुझे 26 जुलाई पे करना है। अगर मैं यही सामान अगर 1 जून है, 2 जून है, 4 जून को लेता तो मुझे क्या करना पड़ता, इसी महीने की 26 को पे करना पड़ता। तो आपको ये बताना है कि जो 27 जुलाई को परचेज हुआ वो 27 जुलाई क्या अगस्त में पेमेंट करना है या जुलाई में पेमेंट करना है। डेट 26 तारीख फिक्स है, तो सिंपल सा यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगेगा। बोलेंगे कि डे, अगर इसका डे लेस देन इक्वल टू 6 है इसका मतलब है कि उसी महीने में बिल होगा। तो आप डेट का फॉर्मूला लगाएं, इसमें से ईयर अलग करें, कॉमा मंथ अलग करें और कॉमा 26 तारीख फिक्स कर दें। समझ गए? अगर 6 से बड़ा है, मतलब 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख है, इसका मतलब है कि वो उस डेट के अगले महीने को पेमेंट करना है। तो सब कुछ सेम रहेगा, हमें जो मंथ है उसमें प्लस वन कर देना है। सिंपल आगे रेट समझे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आपने किया है और ये चीज तो मैंने क्लास में समझाया था तो आपको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने क्लास में समझाया था लेकिन गलत किया आपने। हमने आपको क्या बोला था, वर्किंग आवर निकालना था, वर्किंग आवर्स। क्या लग रहा है 15 शाम को 15 बजे 3 बजे गया था, रात को 2 बजे आया, वो 8 घंटा ही काम किया है, गलत है ना? हमने आपको बताया था डेट एंड टाइम को माइनस करना लास्ट क्लास में, याद होगा जी। इन्होंने भी गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। सिंपल सा मैंने बताया था, अलग अलग क्लास को आप सही से दोबारा रिकॉर्डिंग देखते नहीं, हमने बताया था कि डेट एंड टाइम इकट्ठा होना चाहिए, अगर इकट्ठा नहीं है तो डेट एंड टाइम को ऐड कर दो, डेट एंड टाइम को ऐड कर दो, लेटेस्ट डेट माइनस अगेन डेट एंड टाइम, समझ गए? अब आएगा एग्जैक्ट। तो टेक्स्ट फॉर्मूला और डेट एंड टाइम फॉर्मूला आपको मेरे हिसाब से आप जो है ना 20-30 नंबर के 20-30% भी नहीं सीखे हैं, समझ रहे बात को?